नमस्कार हमारे खाऊ दोस्तों को, क्या तैयार है आप एक और मजेदार और स्वादिष्ट खाने के सफर के लिए? दोस्तों आज ये सफर स्वादिष्ट होने वाला है कि नहीं मुझे नहीं पता, क्योंकि आज मैं फंस गया हूँ। मुझे पड़ेंगे खाने कहाँ फंस के आ गए पहले बताइए। अरे मुंबई में मोमोज खिलाने जो ले आई हो, मुंबई में कहाँ मोमोज अच्छे मिलते हैं? अब ये हमेशा से मुझसे कहते हैं मुंबई में मोमोज अच्छे नहीं मिलते, इसलिए क्योंकि मुझे मोमोज खिलाने लाना ही नहीं चाहते। आज मैं इन्हें ऐसी जगह पे लेके आई हूँ जहाँ वन ऑफ दी बेस्ट मोमोज मिलते हैं मुंबई में। कोलकाता और दिल्ली जैसे तो नहीं होंगे, आप आज खा के देखिए फिर कहिएगा उसके बाद। कौन सी जगह है ये? इधर ही है। ओ, सूरज लामा मोमोज। चलो अंदर चल के देखते हैं। शर्त लगा लीजिए, अंदर चल के एक प्लेट मोमोज एक्स्ट्रा खाऊंगी। अच्छा और मैं क्या खाऊंगा? चलो आइए। टिबेट का पहाड़ चढ़ा रही हो क्या मोमोज खिलाने के लिए? देखो मोमोज अच्छे नहीं मिले ना, छोले भटूरे खिलाने पड़ेंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता। अच्छा देखते हैं, आज बड़ी कॉन्फिडेंस हो। हमेशा ऑलवेज। चलिए फटाफट ऑर्डर करते हैं, मुझे बहुत भूख लग रही है। जगह तो तुमने बहुत कमाल की चुनी है। अच्छी लग रही है, कोजी है, छोटी सी है और टेस्ट भी वैसा ही है, जबरदस्त फील आ रही है। जैसे वो दार्जिलिंग वगैरह जाते हैं ना, हाँ, और वहाँ पे कैसे मोमोज की ये छोटे छोटे रेस्टोरेंट होते हैं, प्यारे से रेस्टोरेंट होते हैं, और खुशबू ऑलरेडी आ रही है मुझे वो रेड वाली चिली सॉस की। मेरी भूख तो डबल हो गई है। चलो ऑर्डर करें। हाँ ओके लेट्स सी। दादा यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? मोमो मैन ब्रिंग टेस्ट ऑफ दार्जिलिंग टू अंधेरी। यस, तो इनको मोमो मैन बोलते हैं एक्चुअली, सूरज लामा जी को। आपको पता है इतनी इंस्पिरेशनल स्टोरी है ना, ये सेलिब्रिटीज के शॉफर थे पहले मुंबई में। नहीं नहीं, यहाँ मुंबई में सेलिब्रिटीज के जो है शॉफर थे, और इन्होंने और उनकी वाइफ ने डिसाइड किया एंड दे स्टार्टेड कार्ट पे सेल करना शुरू किया, जो नॉर्थ ईस्टर्न एकदम ऑथेंटिक टेस्ट होता है ना, वैसे वाले मोमोज एंड खाना। देखा आ रहा है ना मुंह में पानी? तो एक कार्ट से स्टार्ट किया एंड नाउ दे हैव सो मैनी ईटरीज एंड बहुत ही मतलब मीडियम प्राइस है ना, बहुत ज़्यादा ना बहुत कम। इट्स रियली गुड, वेरी नाइस। वाह मेनू भी बड़ा इंप्रेसिव है। अब वेट करो, मोमो कहाँ है? आ रही है शांति। वाओ ये तो मोमोज की दावत हो गई आज। तो इतने खूबसूरत लग रहे हैं मोमो ना, अलग अलग कलर्स के, अलग अलग सॉसेस, कितनी कमाल की लग रही है। क्या क्या मंगाए ये तो बताओ, नॉनवेज मंगाए कि नहीं मेरे लिए? बहुत सारा है, नॉन वेज वेज दोनों है। अच्छा यहाँ से शुरुआत करती हूँ, ये है वेज तंदूरी मोमो। ओके एंड ये वाला जो है ना, ये होम टाउन मोमोज है, मतलब दार्जिलिंग अगर हम जाएंगे तो हमें एग्जैक्टली ऐसे ही मोमो खाने के लिए मिलेंगे। क्या कमाल कर रहा है, सॉसी सॉसी फील ही अलग आ रहा है। और नेक्स्ट 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 जल्दी, और खुश हो जाइए क्योंकि ये है पहाड़ी चिकन मोमोज नॉन वेज, पहाड़ों से एंड क्लासिक चिकन। ये तो मैंने देखा है बहुत जगह पर, लेकिन बाकी सब मेरे लिए मतलब बहुत ही अलग है। दिस वन इज आ गया पीरी पीरी चिकन मोमोज अगेन, एंड ये हो गया रेशमी पनीर मोमोज। कमाल, ऐसी वैरायटी मोमोज में होती है मुझे पता ही नहीं था यार। यस लास्ट टुकड़ा भी खाना शुरू करें। हां डिस्क्राइब कर लिया, नहीं रुका जा रहा है। आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द क्लासिक। आहा, ये लाल चटनी बड़ी कमाल की लग रही है इस क्लासिक स्टीम्ड चिकन मोमो के साथ। ओए होए, अब बताइए कैसा है? टू गुड, तो क्लासिक खाया आपने, द बेस्ट ही बताऊं। हाँ। ये जो उसकी ऊपर की कोटिंग है ना, मैंने जहाँ पे भी खाया ना, मोटी मोटी होती है, दिस इज वेरी लाइक पेपर थिन। क्या मुंह देख रही, मुंह में पानी आ रहा है, खाओ ना। देख रही, आपको पसंद आया कि नहीं? क्या खाओगी? तंदूरी से स्टार्ट कर लेती हूँ। मैंने इनका एक्चुअली तंदूरी पहले भी ये खाया हुआ है, तो ये वैसे अपने आप में ही बहुत चटपटा होता है, ज्यादा सॉसेस की जरूरत नहीं होती है, बस स्टिल थोड़ा सा लगा लेती हूँ एंड मैंने पता है तंदूरी मोमोज कभी खाए ही नहीं है, स्टीम्ड ही खाए ज्यादा। मैं क्या आज क्यों ना खाऊं? कैसे देखो, यू लव इट, क्या क्रंची वेजिटेबल्स, मजा आया ना। वो है, और बाहर का जो है मैरिनेशन, एग्जैक्टली दैट्स वो तंदूरी मैरिनेशन है ना। एक्चुअली इसको मेयो के साथ खाते हैं। खाओ, वाओ, पहाड़ी टेस्ट कीजिए ना। ये भी तंदूरी है ना? हाँ, ये लग रहा है तंदूरी है। अरे यार सॉसेस मुझे बड़ी कमाल की लग रही, कौन कौन सी सॉस है? बहुत इंटरेस्टिंग है। ये तो मेयो हो गई सिंपल, और ये हमारी जो मिंट चटनी होती है वो हो गई। मैं सब क्या मिक्स कर रहा हूँ, करिए ना, वही तो मजा है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग है, पीनट चटनी। ओके एंड दिस इज माय शेजवान है, बट दिस इज लाइक होममेड शेजवान जैसी होती है ना। इट्स दैट, लुक एट दिस। मैं तो ये भी नहीं कह सकती मुझे खिलाओ नॉन वेज है। जो फ्लेवर है ना बाहर के, yes. चिकन तो वैसा ही है जैसे क्लासिक में था, exactly, हाँ. बड़े बाहर जो पहाड़ी मसाला लगा है, ग्रीन कलर का है ना, कमाल कर दिया। अब तुम कौन सा वाला खा रही हो?
मैं ये रेशमी पनीर वाला खा रही हूँ। ओके मैं भी सब चटनियाँ मिक्स मुक्स करके लगा रही हूँ। एक्चुअली मिला के भी अच्छी लगी, पता है सारी चटनी सॉस। एक्चुअली इसका वही मजा है। पनीर वाओ, इसकी फिलिंग कितनी सारी है पनीर की, देखो। खाओ खाओ खाओ, अच्छे से खाओ। पनीर तो तुम्हें ऐसे ही बहुत पसंद है, है ना? आप टेस्ट करेंगे? वैसे खाया नहीं, मुझे इतना सब जो खाना है, तुम बताओ ना टेस्ट कैसा है। अरे मैं एक्चुअली सिर्फ ये वाला पहले नहीं खाया, बाकी सब खा चुकी हूँ। ओके, मैं आई थी फ्रेंड्स के साथ एक दिन। अच्छा, सब खाया था। ये हो चुका है बिल्कुल, तभी इस जगह के बारे में इतना पता तुम्हें, ऑब्वियसली मुझे नहीं। चलो कोई नहीं, एंजॉय। चलिए ये मैं ट्राई करता हूँ आपका दार्जिलिंग का होम टाउन मोमो। ऐसे कैसे देख रही हो, तुम्हें भी दूंगा। इसीलिए देख रही हूँ। कौन सी सॉस लगाओ ये बताओ? वेज मोमो उठाया हुआ है, कौन सी खाओ? कोई भी लगा दो चलेगा। इसके साथ मेरे को लगता है ये अच्छी लगी, खाली खाली ये। नहीं ऑलरेडी रेड है, थोड़ी सी वो चाहिए रेड वाली। अरे रेड ऑलरेडी लगी है, ये लो। ओके, ये एक्चुअली मैंने कभी टेस्ट ही नहीं किया, आप टेस्ट करो। अरे खाओ, खाओगे नहीं तो पढ़ोगी कैसे? बढ़ती तो होनी, कितना भी खा लो, एक्सरसाइज जो इतनी करती है। कैसा है? This I'm having for the first time. It is a must try. क्या बात कर रही हो? I'll try now. Okay friends. Love it and I'll try now. ये बिना सॉस के भी अपने आप में संपूर्ण है actually. ये crunchy fried है थोड़ा सा, है ना? और? I don't know. It has a little different flavor. No sauces needed with it actually. Actually because already cooked in some type of Tibetan or Chinese sauce. अभी? इसकी वजह से किसी चीज की जरूरत नहीं है। शेजवान फ्लेवर जैसा। हाँ, ऑलरेडी है इसमें सब कुछ। ओहो, गाइस, दिस इज अ मस्ट ट्राई। रियली फ्रेंड्स, ये तो रुक नहीं सकता इंसान का। दार्जिलिंग मोमो, ओहो हो, ये तो सीधा इधर से इधर ही जाएगा। सॉरी हाँ, एक और बैठ ले रहा हूँ। खा लो पूरा, खा लो, इट्स ओके। पेरी पेरी फ्राइज तो मैंने बहुत खाई है, लेकिन आज मैं पहली बार ये पेरी पेरी मोमोज खाने जा रहा हूँ। पहले ना मैं बिना किसी सॉस के खा के देखता हूँ इसका टेस्ट कैसा। हाँ, अपना टेस्ट नहीं, अपने आप में ही बहुत अच्छे हैं सारे एक्चुअली। सम्मान की बात है। द फ्लेवर्स ऑफ द आउटर कोटिंग हर मोमो का इतना अलग है और इतना डिलीशियस है कि मतलब मैं मोमोज का फैन हो गया आज। मतलब यहाँ से निकल के छोले भटूरे नहीं मांगूंगा। नहीं, मैं मोमोज ही मांगूंगा बार बार। चलो अच्छा, आप देखेंगे ना, अच्छा है, मोमो डेट करेंगे। यस, वाओ यार, तुम्हें ना मुझे लगता था मैं ही खाने की जगह ढूंढती रहती हूँ, तुमने तो आज मुझे सरप्राइज कर दिया। आई डिडंट नो अबाउट दिस प्लेस। वाओ, मेरे अलग टेस्ट हैं, थोड़े से अलग जगह है इसलिए। फ्रेंड्स, जरूर विजिट कीजिए जब भी मौका मिलेगा। सूरज लामा मोमोज, इनकी कई फ्रेंचाइजीज भी हैं ऑल ओवर बॉम्बे, आपको मिल जाएंगी। जो मेन ब्रांच है और इनकी जो है वो मलाड में है। लिंक और एड्रेस मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, पढ़ लीजिए एंड डू विजिट सूरज लामा मोमोज। अरे यार, मोमोज तो खा ही रहे हैं, साथ में कुछ गर्मा गर्म थुक्पा हो जाए ना। तिब्बत का फूड विदाउट थुक्पा कंप्लीट कैसे होगा? एक्चुअली वी आई लव इट। तो लेट्स ऑर्डर थुक्पा आल्सो, ओके? तब तक ही मोमोज खाते हैं। तो दोस्तों, वैसे तो लोग सूप और थुक्पा खाने से पहले पीते हैं, लेकिन हमने खाने के बाद हमको थुक्पा की याद आई, क्योंकि हम मोमोज में ही इतने मस्त हो गए थे। चलिए, देर आए क्या? देर है, अंधेर नहीं ना। देर आए, दुरुस्त आए। तो ये आया हमारे सामने वेज थुक्पा, क्योंकि अभी इनकी क्वांटिटी बहुत ज्यादा है, तो हमने 1 in 2 मंगाया है। तो ये पड़े हैं इसके अंदर नूडल्स, जो कि पड़े होते हैं थुक्पा के अंदर। ऐसा थुक्पा सच में मैंने पहले नहीं। ये देखिए, मैंने अभी तक खाया नहीं, इधर से टेस्ट पहले ही आ गया, ऐसा थुक्पा मैंने खाया नहीं। खा के तो देखने दो। आई एम टू फास्ट इन फूड। बोल दो कितना हल्का अच्छा है ना, एकदम एक्चुअल टेस्ट विल बी देयर इन द सूप ना। हां, आई हैड द नूडल्स व्हिच वर लाइक एनी अदर नूडल्स, लेट्स सी द सूप। हां, This is the real flavor. यार मतलब ये थोड़ा सा ना, मैं हमेशा थुक्पा ऐसे खाती हूँ, हमेशा पहले जो है वो थोड़ा सा, क्योंकि मुझसे दोनों चीज वो फोक स्पून पे आती ही नहीं है, तो थोड़ा सा नूडल खा लेती हूँ। वाओ, क्या बात है। और उसके बाद सूप पी लेती हूँ। मैं भी ऐसे खाता हूँ। मिक्स हो जाता है। मैं भी ऐसे करता हूँ। मुंह में मिक्स कर दिए। मजा आ गया। सच्ची मजा आ गया। डूब जाओ इस सूप में मैं। तो फ्रेंड्स, मुंबई में आपको कोई इस तरह की स्वादिष्ट खाने की जगहें मालूम हो तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए, सजेस्ट कीजिए। और आप कहाँ कहाँ क्या क्या ब्लॉग्स या कौन सी जगह देखना चाहते हैं वो भी लिखिए। और कौन से टाइप का खाना खाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, मतलब हमारे साथ वो लिखिए। इस ब्लॉग को हम यही खत्म करते हैं, अगले ब्लॉग का इंतजार कीजिए। तब तक आप सब खाइए, पीजिए, ऐश कीजिए। धन्यवाद। जल्दी खत्म भी हो गया।
मुझे तो और खाना था ये वाला ले लिए।